हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइनिंग मिरर एंड वेलकम टू दिस न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेड नॉइज़ एंड साउंड स्टैंडर्ड्स जो नॉइज़ और साउंड स्टैंडर्ड हम लोग को रिकमेंड किया गया है डीजेएमएस की के तरफ से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ द फ्रेंड्स ऑल्सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव इन योर डेली लाइफ एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन

मतलब क्या है कि कोई भी जगह पे अगर साउंड कोई क्रिएट होता है तो वो एयर में एक प्रेशर क्रिएट करता है उसको बोलते हैं साउंड प्रेशर लेवल वो साउंड प्रेशर लेवल को जो मेजर करते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डी में डिसबल में ओके देखिए कोई भी साउंड जब क्रिएट होता है ना साउंड एक सिंपल एक वेव होता है तो उसका एक फ्रिक्वेंसी रहता है उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम लोग को सुनाई देता है कि कुछ साउंड है जो पर्टिकुलरली ह्यूमंस को सुनाई देता है कुछ साउंड है जो ह्यूमन को सुनाई नहीं देता है तो वहाँ पे बात आता है कि अगर ह्यूमन को सुनाई नहीं देता है तो वो साउंड किसको सुनाई देता है तो उसी के बारे में पहले जानते हैं तो पहला है कि हम लोग का जो ह्यूमन्स का रेंज है वो है ट्वेंटी हर्ज टू ट्वेंटी किलो हर्ज मतलब ट्वेंटी हर्ज टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ज ये उसका रेंज है ह्यूमन का और पर्टिकुलरली मैक्सिमम एनिमल्स का अब बात करते हैं कि ट्वेंटी हर्ज जो हो गया सबसे मिनिमम है ह्यूमन के लिए तो उससे जो लेस साउंड निकलता है उससे लेस जिसका फ्रिक्वेंसी है वो साउंड है उसको किसको सुनाई देता है बिलो ट्वेंटी हर्ज जो साउंड होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक और जो अबव ट्वेंटी किलो हर्ज है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ओके okay? तो इंफ्रासोनिक साउंड किसको किसको सुनाया देता है देखिए रायनोज rhinos, जो राइनासोरस होते हैं जो हिपापोटामस एलिफेंट्स वेल्स ऑक्टोपस पीजियंस स्क्विड्स कटलफिस कॉड जेनिफुल जितना भी यहाँ पे मेंशन किया गया ये लोग ना इंफ्रासोनिक साउंड से अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं वो होता है बिलो ट्वेंटी हर्ज और एक होता है अबव ट्वेंटी किलो हॉर्ज मतलब ये जो ट्वेंटी किलो हॉर्ज है उससे ऊपर वाला साउंड किसको सुना देता वो भी ह्यूमन को सुना नहीं देता है वो सुना जाता है किसको उसको बोलते हैं अल्ट्रा वो सुना देता है बैट्स प्रेइंग मैंटिस डोल्फिन डॉग्स फ्रॉग्स टोर्स एट्सेट्रा तो ये हो गया रेंज उसका हम लोग का ट्वेंटी हर्ज टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ज बिलो ट्वेंटी हर्ज एंड अबव ट्वेंटी किलो हॉर्स ओके अब चलते हैं एक ओवरव्यू जो हम लोग का लिमिटेशन से इसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का साउंड का जो लिमिट कितना है यहाँ पे दो चीज़ें एक है वार्निंग लिमिट एक है डेंजर लिमिट तो वार्निंग लिमिट किसको बोलेंगे जहाँ पे 85 फाइव डेसीबिल साउंड प्रोड्यूस होता है और डेंजर लिमिट कितना है जहाँ पे 90 डेसीबिल प्रोड्यूस होता है तो पहले बात करते हैं जो वार्निंग लिमिट 85 फाइव के ऊपर कहीं भी एरिया में जहाँ पे एटी फाइव से कम साउंड प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे कम रिस्क रहता है अगर कोई भी आदमी आठ घंटा काम करता है विदाउट एनी ईयर प्रोटेक्शन ठीक है तो उसका हियरिंग लॉस या हियरिंग का कुछ भी प्रॉब्लम होने का चांसेस कम रहता है लेकिन अगर 90 डेसिबल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और वो विदाउट प्रोटेक्शन काम करता है तो उसका हियरिंग इंपायरमेंट मतलब हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम्स या डेफनेस मतलब उसको सुना ही नहीं देगा इस टाइप का प्रॉब्लम होगा ही इसलिए इसको बोलते हैं डेंजर लिमिट इसके बाद बात करते हैं के कुछ कुछ एरिया है जहां पे इससे भी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है तो वहां पे क्या करना है ए वर्कर शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर विदाउट अप्रोप्रियट ईयर प्रोटेक्शन एरिया इन हुई नॉइज लेवल इज 115 हंड्रेड और मोर अगर कोई जगह पे 115 सौ से या उससे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा विदाउट एनी अप्रोप्रियट ईयर प्रोटेक्शन जो जरूरत है ईयर प्रोटेक्शन के लिए उसके बिना उसको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर 115 सौ डेसीबिल से या उससे ज्यादा है अब चलते हैं 130 सौ तीस और 120 सौ बीस फास्ट कहीं अगर सडन कुछ साउंड निकल रहा है कुछ एरिया में वहां पे अगर 130 हंड्रेड थर्टी से है या उससे ज्यादा है तो उसको बिना पीपी का वहां पे अलाउ नहीं करना है और वन ट्वेंटी डिबीज फास्ट अगर जैसे कोई साउंड वे जैसे कोई एरोप्लेन सा निकल के पार हो जाते है तो वो जो फास्ट मूवमेंट होता है ना साउंड का उससे वहाँ पे अगर वन ट्वेंटी डेसीबिल है उससे ज़्यादा रहता है तो भी पी, -पी का जरूर रहता है अब बात करते हैं कौन से एरिया में कोई भी आदमी को वहाँ पर अलाउ नहीं करना है चाहे विथ प्रोटेक्शन और विदाउट प्रोटेक्शन वो होता है एक्सेट्स 140 फोर्टी डेसीबिल अगर कोई एरिया में 140 सौ डेसीबिल से ज़्यादा साउंड निकलता है तो वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं करना है ओके okay. अब चलते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन डेसिबिल एंड डेसिबिल ए तो देखिएगा इसका जो पहला स्लाइड्स हम लोग बात किए थे इसमें हमेशा देखिएगा 85 फाइव यहाँ पे एटी फाइव डेसीबिल है यहां पे 90 डेसिबल है वन तो यहां पे एक चीज आता है कि डेसीबिल तो हम लोग डीबी बोलते हैं तो डी बी ए क्या है ए, ए क्यों लिखा जाता है तो उसको मैं समझाने जा रहा हूं ये डी और डी ए में डिफरेंस क्या है बस यही है कि ए तो ए क्या है ए इज ए वेटिंग है ये एक उसको वेटेज दे दिया गया एक ब्रांडिंग बना दिया गया इज एन एडजस्टमेंट अप्लाई टू साउंड मेजरमेंट टू रिफ्लेक्ट हाउ ए नॉइज इज परसिव बाय द ह्यूमन ईयर मतलब ये ह्यूमन के कान के हिसाब से ही उसको वेटेज दे दिया गया कोई भी साउंड को देखिए हम लोग का यहाँ पे एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं आ, पानी के अंदर भी रहते हैं वहां भी बहुत सारा क्रीचर्स है और ह्यूमन है तो हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन के हिसाब से ही सारा चीज़ को यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया तो डी हो गया नॉर्मल जो साउंड है मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डी DB। लेकिन डी बी ए हो गया मतलब ए वहाँ पे लगा दिया गया मतलब उसको एक वेटेज दे दिया गया कि ये जो साउंड है ये साउंड ह्यूमन का कान के हिसाब से ही मेजरमेंट किया गया है मतलब हम लोग का जो कान है वो कोई भी नॉइज़ को कोई भी साउंड को किस तरह से वो एक्सेप्ट uh, करता है अपना कान में ये साउंड किस तरह से सुनाई देता है तो उसी के हिसाब से इसको ब्रांडिंग बना दिया तो वो हो गया डी वो एक एडजस्टमेंट है मतलब कोई भी एरिया में अगर कोई साउंड निकला सोचे कि वन हंड्रेड या वन हंड्रेड कहीं भी मेजरमेंट हुआ है इसका मतलब नहीं कि वही 120 हंड्रेड ट्वेंटी डी में आ जाएगा वो डी में जब जाएगा हो सकता है वो 160 हंड्रेड हो जाए मतलब कहीं अगर साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बाद वो उसको रेक्टिफाई uh, किया जाता है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है कि ह्यूमन का कान है अगर उसी साउंड को वो ह्यूमन के का कान में जाता तो वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट करता और कितना वहां पर एक्सेप्ट होता उसी के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं डी अब तो क्लियर हो गया होगा ओके आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा तो फ्रेंड्स ये हो गया डिफरेंस डेसिबिल और डेसिबिल ए में अब चलते हैं डी सर्कुलर नंबर एटीन टेक्निकल नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये एक सर्कुलर है जो आया था नॉइज और साउंड लेवल के ऊपर कि किस तरह से हम लोग का ह्यूमन का ईयर को प्रोटेक्शन दिया जाए या कुछ कुछ भी नॉइज़ अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए तो ये मैं इसीलिए बोला कि ये नॉइज़ के साथ ही रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा सर्कुलर साउंड लेवल के ऊपर बात किया है प्रोटेक्शन के लिए या उसका मेजरमेंट का तरीका के लिए वो होता है डी सर्कुलर नंबर एटीन टेक्निकल नाइनटीन सेवेंटी फाइव इसमें क्या क्या पॉइंट्स है छोटा छोटा चीज़ें यहाँ पे मैं सारा चीज़ को यहाँ पे गैदर uh, नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा पहला चीज़ है नॉइज एक्सपोजर इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉइज लेवल एंड द एक्सपोजर ड्यूरेशन एंड हेंस मे बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग इधर मतलब नॉइज एक्सपोजर क्या होता है नॉइज़ एक्सपोजर होता है ये वाला चीज़ कि नॉइज एक्सपोजर क्या है कि कितना नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है और तो वहाँ पर अगर कोई आदमी हो तो कितना टाइम खुद को वहाँ पर एक्सपोज रखा उसी की उसको बोलते हैं नॉइज़ एक्सपोजर तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं आइजर आप नॉइज़ लेवल को कंट्रोल कर लीजिए जहाँ पर नॉइज़ क्रिएट होता है उसको कंट्रोल कर लीजिए उसको कम कर दीजिए तो नॉइज कम हो जाएगा नहीं तो जो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है उसका एक्सपोजर ड्यूरेशन कम कर दीजिए अब बात करते हैं कि जो नॉइज़ लेवल है उसको लिमिटिंग करना है किस तरह से लिमिट करना है आइधर एक चीज एक ही फंडा है उसका कि आपका नॉइज़ जो क्रिएट होता है वो नॉइज़ अगर आपके कान तक ना ही पहुंचे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपका कान को ही आप प्रोटेक्ट कर लो ठीक है तो फास्ट मेथड ऑफ नॉइज कंट्रोल इज टू प्लान वर्क एरिया सो दैट एम्प्लॉयज एंड नॉइज आर केप्ट प्रैक्टिकेबल तो पहला जो स्टेप्स होता है कि किस तरह से आ, न, इसको एम्प्लॉयज लोग को बचाया जाए कि पहला है कि जहां पे नॉइज क्रिएट होता है उससे एम्प्लॉयज लोग को थोड़ा जितना दूर हो सकता है थोड़ा सा दूरी बनाए रखे जैसे मशीनर चलता है हम लोग मशीनर के पास रहते हैं थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है कहीं लीकेज ना हो ये हो तो होता ही है हम लोग का जो सुपरविजन का वो एक पार्ट है लेकिन हम लोग हम लोग को अगर पता है कि वो मशीन से ज़्यादा साउंड निकलता है तो हम लोग को उसके ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत नहीं है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी हम लोग रह सकते हैं जितना पॉसिबल है ओके उसके बाद अगर हम लोग को पता है कि, कि डोजर है एक तो उसका इंजन का साउंड ज़्यादा है अगर वो इंजन जो मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कंपनी अगर वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के हिसाब से भी उसको कुछ मॉडिफिकेशन कर दे उसमें तो भी उसका साउंड कम हो सकता है तो ये कि उसका सेकंड स्टेप हो गया ये बस कुछ कुछ वो चीज़ उसमें दिया है जैसे कि ईयर प्रोडक्शन कैसे यूज़ करना है कौन सा कौन सा ईयर प्रोडक्शन यूज़ करना चाहिए ईयर में अगर ईयर प्रोडक्शन यूज़ करे तो ईयर प्रोडक्शन का कितना वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए तो अब चलते हैं एक टेबल के ऊपर जिसमें ये सारा रेंज यहाँ पे दिया हुआ है कि लो मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई जो भी यहाँ पे रेंजेस है उसी के हिसाब से ही जो हम लोग का हेयरिंग प्रोटेक्टर्स है उसको डिफ्रेंश किया गया है या कैटेगराइज कर दिया गया है तो लो में 85 फाइव टू हंड्रेड डिसिबिल मीडियम हो गया 100 टू 110 टेन डिसिबिल हाई हो गया 110 टेन टू वन ट्वेंटी डिसिबिल एंड एक्स्ट्रा हाई हो गया अबव वन हंड्रेड ट्वेंटी डिसिबिल तो इसी के हिसाब से ही हम लोग अपना हेयरिंग जो प्रोटेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे अब चलते हैं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसिस जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसिस हम लोग का होता है आज तक हम लोग का ट्वेल्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुका है तो उसमें कहा कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस में नॉइज के ऊपर खास करके नॉइज या साउंड लेवल के ऊपर कुछ पॉइंट्स आया था तो पहला आया था एट्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आठ नंबर वो हुआ था नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री में सर्कुलर रिकमंडेशन ऑफ डीजीटी सेवेंटी साल भी इंप्लीमेंटेड फोर्थ मतलब जो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में सर्कुलर जो हमको पहले हम दिखाया था आपको सर्कुलर नंबर टेक एटीन उसको इंप्लीमेंट करना ही है ओके okay? उसके बाद ऑल माइनिंग कंपनीज शुड टेक स्टेप्स रिगार्डिंग द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर एज वेल एज इट्स असेसमेंट प्रोसीजर सेकंड डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ द प्रॉपर टाइप ऑफ ईयर प्रोटेक्टर्स इंक्लूडिंग हेलमेट माउंटेड ईयर मफ्स तो आठ नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये वाला चीज उड़ गया था तो ऑल माइनिंग कंपनी को एक स्टेप लेना पड़ेगा कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा कि हम लोग का जो आ, कोई भी मशीनरी हो गया कोई भी चीज़ को अगर आप आ, हम लोग खरीद के लाते हैं तो उसका नॉइज़ लेवल उसका साउंड लेवल इतना में होना चाहिए उसके बाद डेवलपमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर ईयर प्रोटेक्टर्स इंक्लूडिंग हेलमेट माउंटेड ईयर मफ्स जो हेलमेट में ऊपर में भी एक लग के आता है कि एक जो हेडफोन टाइप का उसको बोलते हैं हेलमेट माउंटेड ईयर मफ्स वो भी आपको डेवलप करना है ठीक है उसके बाद उसका और एक क्या आया था कि ऑडियोमेट्री शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर पर्सन सिकिंग एम्प्लॉयमेंट इन माइंस एंड फॉर पर्सनस एंगेज इन ऑपरेशन एरियाज वेयर द नॉइज लेवल एक्सेस 90 डेसिबल। ऑडियोमेट्री ये जो ऑडियोमेट्री है ये एक मशीन है जो कि हम लोग का हियरिंग टेस्ट होता है एक आपको भी कोई कोई किया भी होगा जैसे आप कहीं ज्वाइन करने जाएंगे तो वहाँ पर ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है कि धीरे से एक साउंड आता है उसको आपको इंडिकेट करना है कि रूम के अंदर बैठ के कि हाँ मेरे को सुनाई दिया कि नहीं दिया वो जो ऑडियोमेट्री है वो मैंडेटरी है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आदमी अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या ज्वाइन करने जाता है लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं माइंस में उनका भी ऑडियोमेट्री टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए ऑडियोमेट्री के द्वारा उनका भी हियरिंग टेस्ट होना चाहिए जहाँ पर Uh, जो साउंड लेवल है वो एक्चुअल होता है नाइन्टी डिस से ज़्यादा तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो दिस विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी ये हो गया एट्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में बारे में जिसमें ये नॉइज़ के ऊपर भी कुछ कुछ पॉइंट्स आया है वो है टेंथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवेंथ नवम्बर टू थाउजेंड सेवन में हुआ था तो इसमें और दो चीज़ आर्ड कर दिया गया था एक है नॉइज मैपिंग और एक है पर्सनल नॉइज डोजीमेट्री तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉइज मैपिंग यहाँ पे बोल रहा है ये जो नॉइज मैपिंग है ये नॉइज़ मैपिंग क्या है नॉइज मैपिंग मतलब जो भी हम लोग का वर्किंग प्लेस है वो एरिया में कितना नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है जो कि जो वहाँ पे लोग एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके कान में आ रहा है और वहाँ पे जो मशीन्स है वो मशीनरी जो चलता है उसका भी कितना वो साउंड प्रोड्यूस करता है ये दोनों को हम लोग को मेजरमेंट करना है उसको बोलते हैं नॉइज़ मैपिंग ये आपको करना है मैंडेटरी उसके बाद और एक पर्सनल नॉइज डोजीमीटरी मतलब ये एक मशीन है एक छोटा सा मशीन है इसको बोलते हैं डोजीमीटर जो कि यहाँ पे एक पर्सन का शोल्डर में भी रह सकता है कहीं भी आप अपना बॉडी के साथ इसको अटैच करके रख सकते हैं ये एक उसको मेजर करता है जो एरिया में आप काम कर रहे हैं कितना टाइम आप एक्सपोजर हैं और उतना टाइम एक जो एक्सपोज हुए हैं उतने में आपका कान में कितना साउंड ऑब्जर्व हुआ है वो ये रिकॉर्ड करता है उस ये ये है नॉइज तो ये आपको यूज करना है तो यहां पे दो चीजें आ गया एंड नॉइस यूज ओके अब चलते हैं के ये जितना भी हम दिक... बता रहे हैं न, ना नेशनल एक, एक मतलब नहीं कि वो टेंथ कॉन्फ्रेंस में इनवैलिड हो गया नहीं एट्थ कॉन्फ्रेंस में जो भी था वो भी रहेगा उसके बाद इन एडिशन टू दैट कॉन्फ्रेंस में जो भी रिकमेंडेशन है वो भी इसमें आड़ो हो जाएगा एलैंथ में जो रिकमेंडेशनस आएगा वो भी एट्थ और टेंथ के साथ मिलके ये भी एक आड़ हो जाएगा तो ये हुआ था टू थाउजेंड थर्टीन में इसमें क्या था दो तीन पॉइंट है एक है ऑडियो विजुअल अलार्म ए वी ए ये आपको लगाना पड़ेगा किसमें हम लोग बहुत सारा बात किए हैं जो भी हम लोग का डंपर्स रहता है या व्हीकल्स होते हैं माइंस में उसमें ए वी ए लगाना जरूरी है जो कि जैसे ही वो रिवर्स करता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो साउंड का लेवल कितना होना चाहिए ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो होता है फाइव टू ट्वेंटी परसेंट हायर दैन द आम्बियट नॉइज लेवल तो एम्बियन नॉइज लेवल मतलब क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग साउंड है उस जगह पे उसके साउंड से वो फाइव टू ट्वेंटी परसेंट हायर होना चाहिए ताकि जो एरिया में लोग हैं जो ब्लाइंड स्पॉट में जैसे वो रिवर्स करे उसको पता नहीं उसके पीछे कौन है तो उसको पता लग जाएगा कि चलो कुछ साउंड आ रहा है कोई व्हीकल बैक कर रहा है तो वो इसलिए फाइव टू ट्वेंटी परसेंट हायर होना चाहिए जो सराउंडिंग साउंड है the audio frequency second the audio frequency and its amplitude band should be increasing and uniquely heard to keep the person alert in the blind zone during reversal matlab wo jo audio frequency aur amplitude hai wo jo sound jo niklega wo sound thoda sa unique hona chahiye aur aisa hona chahiye ki dur dur tak wo at least sunai de अच्छी तरह से तो ताकि कोई भी अगर ब्लाइंड जोन में खड़ा है उसको पता लग जाए कि कोई भी machine यहाँ पे reverse कर रहा है तो वो तरह से different होना चाहिए थर्ड एवी एस शुड बी आई पी सिक्सटी सेवन कॉम्प्लेंस मीन्स आई पी सिक्सटी सेवन आई पी सिक्सटी सेवन क्या है इंग्रेस प्रोटेक्शन इंग्रेस प्रोटेक्शन सिक्सटी सेवन उसका बहुत सारा है आई पी सिक्सटी फाइव आई पी सिक्सटी सिक्स आई पी सिक्सटी सेवन आई पी सिक्सटी एट तो जो सिक्सटी एट है वो होता है डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ और आई पी सिक्सटी सेवन है वाटर प्रूफ आई पी सिक्सटी फाइव जो है वो होता है कि वो आ, जो लो प्रेशर वाटर जेट्स होता है उसके लिए वो प्रोडक्शन दे सकता है लेकिन आई पी उससे थोड़ा सा हायर है ये क्या प्रोडक्ट कर सकता है इसमें कोई भी लिक्विड इंग्रेज को वो प्रोडक्ट कर लेगा मतलब लिक्विड इसके अंदर नहीं जा सकता तो एवी ए जो इक्विपमेंट है वो आई पी सिक्सटी होना चाहिए ओके तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम दिखाएं कि जो साउंड लेवल्स है कितना हम लोग का लिमिट्स होना चाहिए कौन सा कौन सा सर्कुलर है कौन सा कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है और उसका रेंज कितना कितना है आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ यअर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड सी यू विन एन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सी यू